नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है, जिन्होंने चीन पर एक कड़ा बयान दिया है और चीन के ऊपर सीमा विवाद को बढ़ाने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आप हमारे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं, पहले पाकिस्तान और अब चीन, ऐसा लगता है कि एक ही मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं। इन देशों के साथ हमारी करीबन 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के मंसूबे एक हैं और दोनों ही भारत के खिलाफ चाले चल रहे हैं। नहीं तो आज से पहले इतना बड़ा गतिरोध चीन के साथ हमारा कभी हुआ ही नहीं। दरअसल जहां तक मुझे लगता है वो जो मुद्दा है वो पीओके को लेकर है, क्योंकि कई बार भारत सरकार कह चुकी है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो कि ऑलरेडी है ही, और भारत उसे वापस लेगा। ऐसे में चीन का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के साथ सीपैक, वो भी किसी रास्ते से होने वाला है। अगर ऐसे में भारत पीओके पर कब्जा कर लेगा तो चीन का ये जो महत्वाकांक्षी योजना है वो अधर में पड़ जाएगी और वो परियोजना कभी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए इन दोनों देशों ने ऐसा लगता है कि मिलकर प्लान किया है कि बॉर्डर टेंशन क्रिएट की जाए। वैसे आपको क्या लगता है, आप मेरी इस बात से कितना सहमत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल आज डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का जो परीक्षण था उसे अंतिम 8 मिनट के दौरान, जिसमें एक तकनीकी समस्या आ गई थी, फिलहाल इस कमी का पता लगाया जा रहा है। इस बारे में डीआरडीओ ने खुद अपने बयान में कहा, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि 800 किलोमीटर रेंज की है, रिपोर्ट के मुताबिक सेना और नौसेना में शामिल करने की औपचारिक शुरुआत से पहले ही रॉकेट बूस्टर मिसाइल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया की रणनीति के तहत परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों के विकास का तेजी से उत्पादन का प्रयास किया है और करीबन डीआरडीओ ने एक महीने में, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हर चौथे दिन में एक मिसाइल दागी है, जो कि एलएसी से पीछे हटने के लिए चीन के इनकार की पृष्ठभूमि के खिलाफ डीआरडीओ की तैयारी को दर्शाता है। निर्भय मिसाइल को डीआरडीओ ने अपने दम पर बनाया है। इस मिसाइल में धीमी गति से आगे बढ़ने, बेहतरीन नियंत्रक, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि निर्भय का जो अगला परीक्षण हो वो सफल रहे। ठीक हुआ कि सही समय पर इस तकनीकी खामी का पता चल गया। अगली खबर की बात करते हैं तो वो बीआरओ को लेकर आ रही है। लद्दाख में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से चिड़े चीन की बौखलाहट से सीमा सड़क संगठन का काम ना तो रुका और ना ही धीमा पड़ा, बल्कि वो हुआ जिसकी ड्रैगन को कभी कल्पना भी नहीं होगी। बीआरओ ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 गुना से ज्यादा ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ जो टेम्परेरी पुल थे उन्हें परमानेंट किया जा रहा है, जो कि करीबन अगले 6 महीने से 1.5 साल में 40 से 50 नए पुल तैयार किए जाएंगे। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि हमारे अस्थायी पुलों को स्थायी पुलों में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। ये आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पर्यटन और सुरक्षा बलों के तेजी से मूवमेंट में मदद देगा। हरपाल सिंह ने ये भी कहा कि लद्दाख में बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है, 40 से 50 पुल निर्माणाधीन है। हालांकि आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पुलों और सड़कों के निर्माण को रोकने के लिए LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को लेकर आ रही है। यूएस सरकार की स्वामित्व वाली यूनिट जिसे सेना के लिए एक फास्ट ट्रैक के आधार पर क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की आपूर्ति करनी है, उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यानी कि विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रमुख भारतीय रक्षा खिलाड़ियों के साथ बातचीत की है और जहां उन्हें 60% से अधिक कंपोनेंट्स बनाने होंगे। कैरिकल इंटरनेशनल जिसे की 93,895 नई पीढ़ी की कार्बाइन की आपूर्ति के लिए चुना गया था, उसने भारतीय भागीदारों का नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और उत्पादन को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फास्ट ट्रैक कार्बाइन खरीद योजना एक मुश्किल मोड़ पर है। पिछले महीने सरकार की एक योजना थी कि जिसमें कहा गया था कि सीमित संख्या में आयात करके इन्हें तत्काल आवश्यकताओं के हिसाब से मंगवाया जाए, लेकिन भारत सरकार पूरी तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इन्हें बनाना चाहती है। हालांकि DAC को अभी भी अपने निर्णय की पुष्टि करनी है और सेना की राय है कि 3,50,000 कार्बाइन के लिए एक बड़े ऑर्डर को मेक इन इंडिया पहल के तहत संसाधित किया जा सकता है, लेकिन 93,895 जो कार्बाइन है उन्हें फास्ट ट्रैक खरीद के जरिए लेना चाहिए। कार्यकल का कहना है कि हमारे पास पहले से ही भारत में भागीदार हैं जो आपूर्ति करता है, जो 60% से अधिक कंपोनेंट्स को बना सकते हैं, वे नमूने बना सकते हैं और हमारे लिए पुर्जे बना सकते हैं। इसीलिए जब कैरिकल भारत में जाना चाहता है तो हमारे पास पहले से ही उत्पादन आपूर्ति करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूएई आधारित कंपनी भारतीय बाजार में अपने छोटे हथियारों की बड़ी रेंज पेश करना चाहती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत चीन सीमा को लेकर आ रही है। चीन पिछले 7 महीने से भारत की नब्ज टटोल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि परिस्थितियों को परखने की उसकी क्षमता नहीं है।
लेकिन ड्रैगन खुद अतिक्रमण से बाज नहीं आने वाला है। यही वजह है कि चीन ने सैन्य लेवल के ताजा दौरे की बातचीत में डीएक्सिलेशन के लिए बिल्कुल अजीब प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील स्थित फिंगर 8 से वापस जाने को तैयार है, लेकिन भारत को वो फिंगर 4 से धकेलकर फिंगर 3 और फिंगर 2 के बीच पहुंचाना चाहता है। चीन को पता है कि भारत अपने सैनिकों को पीछे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। चीन के सामने स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत का इलाका फिंगर 8 तक जाता है, इसीलिए सैनिकों को पीछे फिंगर 3 पर बुलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस साल मई के महीने से पहले भारतीय सैनिकों को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से नहीं रोका जाता था। चीनी सैनिक तब भी फिंगर 8 पर तैनात थे, लेकिन अब वो भारतीय सैनिकों को वहाँ पहुँचने पर आपत्ति जता रहे हैं। इसीलिए भारत ने चीन से कह दिया है कि उसे मई की स्थिति बहाल करते हुए फिंगर 8 से पीछे जाना चाहिए। भारत ने साफ कहा कि डीएक्सिलेशन की शुरुआत चीन की तरफ से होनी चाहिए और उसे ऐसा करना होगा। चीन के लगातार बदलते रुख के कारण अब भारत का उस पर एतबार नहीं रहा है। भारत को संदेह है कि अगर वो अपने सैनिकों को थोड़ा भी पीछे कर लेंगे तो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी फिंगर 8 तक सीमित रहेगी। अब भारत और चीन के बीच नॉर्थ बैंक साउथ बैंक की पैकेज डील हो रही है। इसके तहत भारत ने चीन से कहा है कि दोनों देश पैंगोंग झील में दक्षिणी और उत्तरी छोरों में अपने अपने सैनिक वापस बुला लें, लेकिन चीन कुछ ज्यादा ही शातिर बन रहा है। तो यानी कि अभी चीन यहां पर काफी सारी बातें कह रहा है जिसमें वो भारत को ही पीछे करने की बात कह रहा है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वो फिंगर 8 से पीछे नहीं हटेगा तो भारत अपनी सैनिकों के डिप्लॉयमेंट वहां से किसी भी तरह से नहीं हटाएगा, क्योंकि भारत ने यहां पर साफ तौर पर एक तरह से देख लिया है कि अगर भारत ने जो एरियाज कब्जा कर रखे हैं, जो डोमिनेंट पोजीशंस भारत ने बना रखी है, अगर भारत वहां से पीछे हटता है तो चीन उन जगहों को कैप्चर कर सकता है, और अगर नहीं हटता तो फिंगर 8 तक ही चीन की सेना सीमित रह जाएगी। अगली खबर अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका भी चीन से बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए कई तैयारियां कर रहा है और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना उसने शुरू कर दिया है। हाल ही में यूएस नेवी के लिए बैटल फोर 2045 का ऐलान करने के बाद अब अमेरिका ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी सेना अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी SpaceX के साथ मिलकर एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करने जा रही है जो दुनिया भर में कहीं भी हथियारों को केवल 60 मिनट में पहुंचा सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ही एलन मस्क के SpaceX के साथ मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए $139 मिलियन का सौदा किया था। एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए यूएस ट्रांसपोर्ट कमांड के प्रमुख जनरल स्टीफन लियोन्स ने नए सौदे को सार्वजनिक किया। जनरल लियोन ने कहा कि SpaceX अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तकनीकी चुनौतियों और लागतों का आकलन करेगा। जनरल ने बताया कि इस तकनीक का शुरुआती परीक्षण 2021 में हो सकता है। उन्होंने बताया कि मिलिट्री का हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर एक बारी में जितना भार उठा सकता है उतना ही भार एक घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार C-17 ग्लोब मास्टर 74,000 किलोग्राम से अधिक का पेलोड ले जा सकता है। बता दें कि C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे मजबूत और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत के पास भी इस तरीके के एयरक्राफ्ट 10 की संख्या में मौजूद है। इसकी कीमत करीबन $218 मिलियन प्रति विमान होती है, जो 939 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर की तुलना में SpaceX एक हाई स्पीड रॉकेट बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि 12,070 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसका मतलब ये है कि ये रॉकेट एक बारी में C-17 ग्लोब मास्टर के बराबर कार्गो उठाकर अमेरिका में फ्लोरिडा से अफगानिस्तान तक की यात्रा एक घंटे में पूरा करने में सक्षम होगा। अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रॉकेट में सुरक्षा के मामले में कई बैकअप सिस्टम होने वाले हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से रॉकेट निर्माण के लिए आवश्यक हार्डवेयर भी उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस सोमनाथन ने बताया कि GSLV जिसका इस्तेमाल गगनयान या मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए किया जाएगा उसे सुरक्षा उपायों के रूप में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 4 अतिरिक्त यानी कि बैकअप सिस्टम के साथ बनाया जाएगा। रॉकेट में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों एवं कंपोनेंट्स पर मुख्य खर्चा किया गया है। भारत ने एक सप्ताह के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।